అఖిలేష్ యాదవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. సార్, లోక్సభ చునావ్ కే బాద్ జో హువా కా బయాన్ ఆయా హై ఉస్ పర్ క్యా కహనా? దేఖియే, లోక్సభ చునావ్ కే బాద్ సబ్సే జ్యాదా పొలిటికల్ హత్యాయే హుయీ హై సమాజవాదీ కార్యకర్తాఓ కీ. సార్, జో బువా కా బయాన్ ఆయా ఉస్ పర్ ఔర్ ఆప్కో బువా నహీ బోల్నా చాహియే, ఆప్ పత్రకార్ హై. మే గఠబంధన్ కో కహ కర్ కే యహీ కహూంగా కి అగర్ గఠబంధన్ టూటా హై యా గఠబంధన్ కే బారే మే జో బాత్ రఖీ గయీ హై, మే ఉస్ పర్ బహుత్ సోచ్ సమజ్ కర్ కే విచార్ కరూంగా. और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे. समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी. उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी. लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है चुनाव का. ये चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो विजय यादव चला गया, क्या वो वापस आएगा? क्या जौनपुर का जो कार्यकर्ता चला गया वो आ जाएगा? हमारे लिए गठबंधन इस समय जरूरी नहीं है. हत्या जिसकी हुई है उसको क्या न्याय मिलेगा, ये ज्यादा जरूरी है. परिवार का मांग है, अखिलेश जी ने कहा है कि आपने, देखिए, परिवार चाहता है उसे न्याय मिले, परिवार चाहता है कि दोषियों के दोषी पकड़े जाएं, परिवार चाहता है उसकी 3 बेटियां हैं, मदद हो. समाजवादी सरकार थी तो मदद होती थी परिवार की, अब मदद कहाँ हो रही है? ये अभी कह पाना मुश्किल है. मैं समझता हूँ यहाँ जागरूक पत्रकार लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, आपके गांव पड़ोस में भी बूथ रहे होंगे, आपने भी वोट डाला होगा. आपसे अच्छा आकलन कोई नहीं कर सकता. और मैं तो चाहूंगा, अगर मैं तो चाहूंगा हम कुछ कहें, कोई कुछ कहे, आप आकलन जरूर करें. ये सरकार कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रही, पूरी बर्बाद है कानून व्यवस्था. कब संघर्ष का ऐलान कर रहे हैं सड़क पे जाकर? कानून व्यवस्था यही रास्ता है कि हम कार्यकर्ताओं से मिलें, उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो संघर्ष भी होगा और सड़कों पे भी जाएंगे. लेकिन अभी पहले कम से कम न्याय तो मिले. देखिए, अभी कह पाना मुश्किल है. हम अपने लीडर से सभी से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे. और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को. आपके कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं, आपके कार्यकर्ता की गाली.